नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, करंट का बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो पहले नाम पे जाते हैं इसके, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम। पहली बात, ये कोई नया अधिनियम नहीं है, ये संशोधन अधिनियम है और ये संशोधन किया गया है 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में। पहला क्वेश्चन, किस में संशोधन किया गया? 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके पारित किया गया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। अब आते हैं डेट्स पर। 23 जुलाई 2019 को ये लोकसभा में पारित हुआ। 31 जुलाई 2019, 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में इसको मिले 108 मत और इसके विपक्ष में पड़े 13 मत, तो ये पारित हुआ। अब अगली डेट, 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए इस पे। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तो ये पारित हो नहीं सकता। तो 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही यह अधिनियम लागू हो गया। ये तो रही इसकी डेट्स। अब आते हैं इसके प्रावधान के बारे में कि इसमें क्या क्या खास है, क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जिसके वजह से इसको संशोधन हम मान रहे हैं। पुराने से नया इसमें क्या किया गया 1988 और 2019 में, अंतरों पर हम चलते हैं। देखिए, इसको लागू किया गया 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश के आधार पर। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्युओं को ध्यान में रखते हुए 18 राज्य के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों के आधार पर इसको पेश किया गया, लागू किया गया। अब एक फैक्ट आपको और बता दें, भारत 2015 में ही ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा संगठन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता भारत 2015 से ही है, जिसका लक्ष्य है 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्युओं को आधा करना 2020 तक। इसको भी ध्यान में रखकर यह अधिनियम पारित किया गया है। अब आते हैं खास बातों पर कि क्या परिवर्तन हुए। देखिए, केंद्र सरकार के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष की गठन की बात की गई है इस अधिनियम में। मोटर वाहन दुर्घटना कोष, अर्थात किसी व्यक्ति की अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसे मुआवजा कितना मिलेगा, उसके उपचार के लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे, वो सब इस कोष से किए जाएंगे। अगर जुर्माने बढ़ाए गए हैं तो मुआवजे भी बढ़ाए गए हैं। हिट एंड रन के मामले में, जहां मृत्यु की स्थिति में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 25,000 रुपये मुआवजा था, वह बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दिया गया है। और गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जहां यह मुआवजा 12,500 रुपये था, उसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। अब अभी मैंने बात की मोटर वाहन दुर्घटना कोष की। मोटर वाहन दुर्घटना कोष का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने में। जो भी व्यक्ति सड़क का प्रयोग कर रहा है उसे अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। एक और बात, जैसे पहले हम देखते थे कि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति उसे बचाने का प्रयास करता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो परेशानी में वह व्यक्ति भी आ जाता है जो उसकी मदद कर रहा होता है। इस कारण लोग मदद करने से कतराते थे, सहयोग नहीं करना चाहते थे। तो इसमें भी संशोधन किया गया है गुड समैरिटन का सिद्धांत। गुड समैरिटन अर्थात नेक व्यक्ति, नेक इच्छा वाला व्यक्ति का सिद्धांत इसमें जो लाया गया है, वो सिस्टम ऐड किया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की स्वेच्छा से, बिना किसी इनाम की इच्छा के मदद करता है और किसी कारणवश या किसी भूल चूकवश या किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो मदद करने वाले व्यक्ति पर कोई आपराधिक कार्यवाही या दीवानी मुकदमा नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें जो महत्वपूर्ण है वो आई मोटर वाहन अधिनियम में 2019 के संशोधन में। अब देखिए, कुछ खास जो आपको परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखने हैं वो आप याद कर लीजिए, चालान के रेट्स और जुर्माने। जैसे नाबालिग का गाड़ी चलाना, नाबालिग अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना प्लस 3 साल की सजा। देखिए, नाबालिग को तो सजा होगी नहीं, लेकिन वो 3 साल की सजा किसे होगी? दोषी माना जाएगा गाड़ी का मालिक या
नाबालिग का अभिभावक। गाड़ी का मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे, उन पर सजा और जुर्माना दोनों होगा। और नाबालिग के साथ क्या होगा, जैसे आप 18 साल के पूरे हो जाते हैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति यह करते हुए पकड़ा जाएगा, जो नाबालिग इस प्रकार पकड़ा जाएगा, उसका लाइसेंस फिर 25 साल की उम्र होने तक नहीं बनेगा। मतलब 18 साल का होने पे वो डीएल का हकदार नहीं होगा, फिर वो 25 साल पे डीएल का हकदार होगा। वो नोट कर लिया जाएगा कि तुमको तो नहीं मिलेगा। अब ओवरलोडिंग पे बात आती है, सिविल एस्पायरेंट्स हैं आप, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ओवरलोडिंग पे क्या प्रावधान किया गया है, तो 20,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये प्रति टन, 20,000 रुपये का तो जुर्माना होगा ही होगा ओवरलोडिंग पे, प्लस जितने टन ओवरलोडिंग आपने की है परमिट के आगे, उतना का 2,000, हर टन का 2,000 आपको देना पड़ेगा बिना परमिट के गाड़ी चलाने पे। परमिट मतलब आपकी ऑल इंडिया परमिट है, नहीं आप ऑल इंडिया घूम रहे हो, आपका जहाँ का परमिट नहीं वहाँ गाड़ी ले जा रहे हो, तो 10,000 रुपये उसका चालान हो जाएगा। मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चलाने का 5,000 रुपये का चालान है। और सबसे बड़ी बात, 2,000 रुपये का चालान हुआ करता था शराब पीकर गाड़ी चलाने पे, वो बढ़ा करके अब 10,000 रुपये हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण रेट्स हैं। आगे किस चालान पर कितना रेट है पूरी डिटेल एक अलग से वीडियो में हम आपको देंगे, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, तो इसमें सिर्फ एग्जाम की बातें की जाएंगी। तो ये रहा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, सभी डेट्स को नोट कर लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिए। तो चलिए, इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।